नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए सीधा रुख करते हैं जालौर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर, ये तस्वीरें सामने आ रही है अधिकारियों के साथ। कमिश्नर भी आ रहे हैं, आईजी भी आ रहे हैं, पर रात को ऑपरेट करना बड़ी बात थी और सुबह आर्मी भी लग गई, तो आर्मी एसडीआरएफ एनडीआरएफ सबने मिलकर के पूरे जिले में छोटे बड़े रेस्क्यू और किए हैं बचाने का। आप सबको मालूम होगा, उपरा जी आपको भी दे देंगे फोटोग्राफ सबकी, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने देखा है, कल रात को मैं अधिकारी से बात कर रहा था तो मुझे उन्होंने ब्रीफ किया कि आप इस प्रकार से रिस्क लेके लाइफ की, क्योंकि रात को अंधेरे में आप तो रात भर अपने जंगलात में चला, फिर 62 लोगों को बचाया गया रात परिवारों को। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सब जगह काम बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। और फॉर्चुनेटली जो पहले सुनते थे साइक्लोन की जो ग्रेविटी थी वो धीरे धीरे कम हो गई जालौर और बाड़ रास्ते यहाँ थे, पर अब जिला प्रशासन की ड्यूटी है कि वो आराम से तत्काल इसकी सर्वे करवा के रात कैसे पहुँचे। तो गरीब आदमी उजड़ गया अभी और कहीं जगह रह रहा है, उनका भोजन का प्रबंधन जिला प्रशासन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो खुद का घर बसेगा तभी उनको आराम होगा। इस काम को प्रायोरिटी में देने की बात है, मुआवजा जल्दी देने की बात है, सड़कों का रिपेयर का काम जल्दी शुरू करने के लिए कहा गया है। तो तमाम तरीके से जो कुछ हो सकता है ऐसे वक्त में, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात है जो कल मंत्री जी ने कहा वो इम्पोर्टेंट बात थी, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं उसको केंद्र सरकार ने बदल दिए। उससे क्या है कि जो राहत टाइम पे मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही, जैसे पाला पड़ गया पहले मान लो, या अभी ये साइक्लोन आ गया तो राहत तत्काल मिलनी चाहिए। ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ का काम यही है, जितना जल्दी वो राहत पहुँचाएँ जिससे कि कुछ परिवार के राहत पहुँच जाए। अब उसमें इतने अड़ंगे लग गए हैं कि आप कृषि का बीमा जो है उसे जोड़ दिया गया। अब कृषि बीमा तो क्या, उसका सर्वे होने में बहुत टाइम लगता है, गणना होने में टाइम लगता है, उसको आप लिंक कर दोगे। इस प्रकार से दो तीन पॉइंट उनके ऐसे ऑब्जेक्शनेबल, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि आप इन सबको ख़त्म करो, तब जाके स्मूथली लोगों की राहत मिल पाएगी। और ये मुद्दा खाली राजस्थान का नहीं बल्कि सब जगह का है, पर तकलीफ राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते रहे सदियों से। हम जानते हैं कि स्थिति यहाँ कितनी विकट हो जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ वो काम भी उनको जल्दी उनको फैसला करेंगे जिससे कि राहत जल्दी पहुँचाई जा सके। मुख्य रूप से तो देखो यही बात है, और कोई बात तो बताओ। काम जो विकास हुए हैं वो मैंने कल गिनाए थे मीटिंग के अंदर, अभी आपको पुखरा जी और बता देंगे। एक जोधपुर के जालौर जोधपुर का जो नया रोड बना रहे हम लोग, वो भी सेंक्शन कर दिया 50-60 करोड़ से, जो भी है पहले वाली सड़क का जो इशू बना हुआ बड़ा इशू है यहाँ पर, उसके लिए 15 करोड़ लगभग दे दिए सरकार ने मरम्मत फरमत के लिए। वो तो बहुत ही दुख, वो सड़क ने बहुत दुखी किया लोगों को। सर, सांसद देवजी एम पटेल कल आए थे, उनका 3 घंटे इंतजार करने की बात, बारिश हो गई है। अब अगर बारिश होती है तो दवाई बांध भरता है, तो जालौर की हमेशा मांग रहती है कि 55 फीट के बाद पानी छोड़ना। वो बांध बड़े बनवाने भैया आपके लिए, वो बनने में टाइम लगेगा क्योंकि आदिवासी विरोध कर रहे हैं वहाँ पर उदयपुर जिले के अंदर, पर आपके बगैर गए हुए हम लोगों ने उसको 2 साल पहले मंजूर कर दिए, संदेश चल रहे वहाँ पर। वो बांध बनेंगे तो दवाई भी भरेगा, सिंचाई का आपको बहुत बड़ी सुविधा जालौर को भी होगी पाली को भी। सर जरूरत पड़ेगा सर, आप सर तुरंत रात की घोषणा है, आपने सर्वे किया है, सर्वे किया है, लोगों से मिले तो तुरंत कोई राहत। जिला प्रशासन सर्वे करके रिपोर्ट भेजती, मंत्री जी बैठे साथ में, आप समझ सकते हो सर तुरंत। दो मीटिंग हमने कर ली है जयपुर के अंदर, साइक्लोन आने के पहले मीटिंग कर ली, साइक्लोन आने के बाद मीटिंग करके मैं आया हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी से लगा के डीजी पुलिस लगा के सिविल डिफेंस मौसम विभाग फाइनेंस सब बैठे रहते हैं वहाँ मीटिंग के अंदर, तो बहुत तरकीब से हम लोगों ने सब आकलन कर लिया है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि पहले तैयारी रही, 25-30 हज़ार लोग पहले लगा दिए गए, 17,000 लोगों को पहले इवेक कर दिया गया, वहाँ लड़ा दिया गया, जिससे कि कैसी भी स्थिति बने उनको तकलीफ नहीं आए।
तमाम काम बहुत टाइम पे हो रहा है के अंदर, और सब गांव वाले इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली जहाँ मैं गया हूँ सब जगह कह रहा है, जिला प्रशासन ने बहुत मुश्किल से काम किया, चाहे बाड़मेर हो चाहे सांचोर हो चाहे उछरे हो चाहे जालौर। सर इसे आप अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके भी आए, लोगों की तकलीफ होंगी, भाजपा इस पर भी सियासत कर रही है कि सारे अलर्ट दे दिए फिर भी सरकार जागी नहीं, तूफान पर भी राजनीति हो रही है। देखिए राजनीति तो देखो वो थोड़ा भुखला हुए हैं क्योंकि 4.5 साल तक कुछ किया नहीं उन्होंने, अब उनको हाईकमांड फटका लगा रहा बार बार उनके ऊपर, और फटका ऐसे शानदार लगा रहा है कल देवजी भाई पटेल आए मिलने के लिए, और मैं तो 2-3 घंटे सो रहा था, कल मेरी तबीयत कोई गड़बड़ हो गई, मेरे जो बैक पेन सबको मालूम है रहता है, बचपन से रहता है 30-40 साल से, थोड़ा मैं आराम करने लग गया। देवजी भाई बिना इतना आए ना अपॉइंटमेंट दिया हमने उनको, आए को भी उनका स्वागत है, उनको कहा गया भाई अभी उठते ही बात करवा देंगे आप, डॉक्टर भी आवा था यहाँ पर, मैं बीमारी छिपाता नहीं हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ हर चीज़ शेयर करता हूँ पब्लिक से, जो हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हम पॉलिटिशियन जो है हमें अपना आप को पब्लिक प्रॉपर्टी मानना चाहिए, हम पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहे हैं, हम खाली परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, उस रूप में राजनीति करते हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मना कौन कर सकता है, पर वो अगर पूछ के आते मैं टाइम देता हूँ, उनके चाय पी मैंने इंतजाम कर दिया चाय का भी, चाय मंगा ली, मानो बड़ा वो चले गए, फिर मैंने उनको टेलीफोन किया पूछा उनसे सुझाव पूछा, वो सुझाव जो मैं बता रहा हूँ वही बात हम आपस में करी टेलीफोन बात हो गई, पर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये इनकी फटकार इतनी बड़ी लगी हुई है, रात को फटकार लगी होगी देवजी भाई को कि तुम 2 घंटे बैठ के आ गए और फिर तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तो रात को उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी इंसल्ट हो गई, पता नहीं इंसल्ट हो गई क्या हुई, पर मतलब उन्होंने ट्वीट करना पड़ा उसको, तो ये चीज़ें चलती रहेगी पॉलिटिक्स के अंदर। राजस्थान की स्थिति मैं आपको कह सकता हूँ, वैसे तो जनता माई बाप होते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो अपना काम कर सकते हैं, अपना धर्म निभा सकते हैं, प्रथम सेवक के रूप में मैं हूँ, मेरा मंत्रिमंडल MLA जो कर सकते किया है, 5 साल में कमी नहीं रखी है, और आज राजस्थान पहली बार, मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा आप लोगों को, मैं भी 42 साल पहले चला गया पार्लियामेंट के अंदर, डिप्टी मिनिस्टर बन गया मैं 40 साल पहले इंदिरा गांधी जी के साथ में, मेरा अपना अनुभव है, राजस्थान बहुत ही ऐसा राज्य है बहुत शांतिप्रिय है ही है, अच्छी बात है वो तो, पॉलिटिकली शांतिप्रिय है, जो बाकी राज्यों वाले उछल कूद करते हैं ना जिस रूप में अपनी मांगों के लिए है या जो भी मतलब चर्चा में रहने के लिए, राजस्थान कभी चर्चा में रहता ही नहीं, दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर सेंट्रल हॉल में नहीं रहता है, पहली बार एक राजस्थान जो है मेरे कार्यकाल में पहली बार राजस्थान, चाहे वो OPS हो चाहे मेरे महंगाई राहत शिविर हो चाहे राइट टू हेल्थ का एक्ट हो सोशल सिक्योरिटी हो और जो हम बाकी दे रहे हैं 5 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली का कंसेशन दे रहे हैं, शहरों में रोजगार खोल दिया जो देश में कहीं नहीं है, 1-2 राज्यों में थोड़ा बहुत होगा, हमने बाकायदा 125 दिन का रोजगार दे दिया, जो काम हमने किया है यहाँ पर उसके कारण आज राजस्थान हर राज्य में चर्चा में आ गया, वहाँ की सरकार या किसी पार्टी की हो वो मैनिफेस्टो बनाते वक्त में हमारी स्कीमों को साथ रख के बनाते हैं कि भाई कौन सी स्कीम हम ले सकते अपने राज्य के लिए, तो राजस्थान पहली बार चर्चा में भी आया है, तो मैंने कहा 2031 तक राजस्थान अगर नंबर वन नहीं भी बने तो नंबर वन के जो राज्य होते हैं उनकी शनिव आए हम लोग कम से कम, राजस्थान हमेशा रेगिस्तान के इलाके हैं आकाश के पड़ते हैं, पहचान वही रही है, अब जो एजुकेशन में हमने काम किया राजस्थान में कॉलेज खोली है 300 कॉलेज खोल दिए है 4 साल में, 70 साल में खोली है 250 कॉलेज, कितना बड़ा गैप है बताइए, कितना बड़ा फर्क पड़ गया, विश्वविद्यालय 6 थे मेरे वक्त में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, आज लगभग 100 विश्वविद्यालय बन गए राजस्थान के अंदर, IIT, IIM, IIIT, एम्स सारी प्रीमियर संस्थाएँ देश की है, वो तमाम संस्थाएँ राजस्थान में आ चुकी है, कॉलेज खुल गए, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कुछ कमी है ही नहीं राजस्थान में,
ये देश मान रहा है कि राजस्थान में शिक्षा में बहुत काम हुआ है, राजस्थान हेल्थ में नंबर वन बनता जा रहा है, 26 टावर का बन रहा, आईपीडी टावर बन रहा है, एसएमएच के अंदर 26 टावर का, 26 जो भी होगा, इतना बड़ा टावर बनना 400 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल के लिए, वो और जो है आप देखेंगे कि उसके बाद में और कितना बूस्ट हो जाता है एसएमएच का। एसएमएच आज एम्स से कम नहीं है, एम्स राजस्थान का नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली के एम्स से कम नहीं है, इतने मरीज आते हैं, इतने में का वहाँ पर इलाज होता है, और सारे जो इम्पोर्टेंट बल्कि रोबोटिक सर्जरी कंट्री में कहीं नहीं हो रही है, वो हमने रास्ता में शुरू करवा दी रोबोटिक सर्जरी। कहने का मतलब है कि आज हम लोग शिक्षा में भी स्वास्थ्य में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन चर्चा हो रही सब जगह पर। नॉन वायलेंस का और पीस का विभाग खोली, मैंने खोला खाली, देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर शांति व हिंसा का विभाग बन गया है। ट्रेनिंग कैंप लग रहे हैं आपके ब्लॉकों के अंदर, डिस्ट्रिक्टों के अंदर, एक फौज खड़ी हो रही है नौजवानों की जो गांधी जी के रास्ते पर चलेगी लाइफ के अंदर। मैं बचपन में कैंपों में गया था गांधी बीज फाउंडेशन के, तभी तो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान हुआ है गांधी जी का, वो ज्ञान मेरे तो बिल्कुल 2% भी नहीं होगा, वो तो खजाना है गांधी जी का पूरा, पर थोड़ा बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर लो, उनकी जीवनी पढ़ लो आप युवा, तब भी ज़िंदगी में उसका काम चल जाएगा, ये मेरा मानना है। तो ये हम राजस्थान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, विभाग खुलना, ट्रेनिंग कैंप लगाना, हज़ारों युवा जो बन रहे हैं उसके अंदर ट्रेंड हो रहे हैं, वो गांव वालों को संदेश करेंगे, कभी कोई तनाव पैदा हो गया या ये जो हमारे बीजेपी आरएसएस के लोग दंगे करवाते हैं, ये भड़काते लोगों को धर्म के नाम पर, अब कैसे भड़काएंगे ये? हमने गाय माता की जो सेवा हमने करी है, इनको पूछो आपको हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कहाँ निर्देशालय बनाया, मैंने बनाया, पहली बार मैंने 3 महीने के लिए दिया अनुदान, फिर 6 महीने कर दिया, 9 महीने कर दिया, और नंदियों के लिए हमने 12 महीने कर दिया है, लंबी लोगों में 40,000 रुपये दे रहे हम लोग, दे दिए गए हैं और दे दिए जाएंगे बच्चे उनको। तो जो काम हमने किया गायों के लिए, आगे गाय भैंस के लिए हमने बीमा करवा दिया है, तो तमाम और उनका इलाज फ्री हो रहा राजस्थान में, उनका इलाज मैंने पिछले टर्म के ही दवाई अगर मनुष्यों को फ्री करी थी तो हमने पशुओं के लिए दवाई फ्री कर दी राजस्थान के अंदर, सब काम तो हम कर रहे हैं, फिर भी हम गाय माता के नाम से वोट की बात नहीं करते, ये लोग उसके नाम पे वोट की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वोट की बात करें, तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारी आस्था उनसे ज़्यादा है हिंदुओं के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वार्ता हिंदू धर्म का ही नहीं, खाली राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू बन गए वो लोग, क्या कहते हैं राजनीति करने के लिए, उनमें कई लोग जो है हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, पर फिर भी वो लोग बन गए क्योंकि वोटों की राजनीति करनी थी, अब धीरे धीरे उनकी पोल खुलती जा रही है। तो राजस्थान में हम एजेंडा नहीं बनने देंगे उनका हिंदुत्व के लेकर के, राजस्थान में सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग मिल के राजनीति करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और वोटों के अधिकार को सुरक्षित रखवाएंगे हमको, ये बहुत बड़ा अधिकार पब्लिक को दिया है गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, अम्बेडकर साहब ने, तब जाके आज 75 साल के बाद में हम लोग आज इस प्रकार से बैठे हुए लोकतंत्र में। लोकतंत्र उत्सव की तरह ही है, हर गरीब की ढंड से जाके हाथ जोड़ने पड़ते हैं उसको, चलो में हाथ लगाना पड़ता है, जोड़ पड़ने पर गुजर गया तो उसको आशीर्वाद मांगना पड़ता है, कम ताकत दी गई है वोटों में राजने को, कौन गरीब को पूछे? इसलिए आज इनके जो कारनामे हैं, कारनामे में शब्द जो है सोच समझ के काम ले रहा हूँ मैं, आप जानते हो मैं हर शब्द को सोच समझ के काम लेने की कोशिश करता हूँ, इनके कारनामे जो है धर्म के नाम पर राजनीति करने के, गाय माता के नाम पर राजनीति करने के, वो सब अलग खत्म हो जाए, ये मेरा मानना। सर आगामी चुनाव सचिन पायलट को साथ लेके लड़ेंगे या कैसे? हमारे जो कांग्रेस में है, हमारा मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ या पीसी प्रेजिडेंट होता शाही है तो हम तो सब चाहेंगे इसे बैठे हैं नेता लोग सब मिलकर ही लेकर लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे चुनाव को। हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए ना कि भाई आज देश संकट के अंदर है, मैं संकट मानता हूँ, कोई माने या नहीं माने, बुद्धिजीवी मान रहा है,
आपकी बिरादरी मान रही है पत्रकारों की, दूसरे की बिरादरी डिवाइड हो गई है, तो गोदी मीडिया वाली हो गई है और एक हो गई है बोल्ड होके वो अपने पत्रकारिता कर रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा। साहित्यकार है, लेखक है, 90% लोग जो हैं वो इनके अच्छे ज्ञान के हैं। बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है देश में, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है। वो उसी ढंग में प्लेटफॉर्म देखते हैं, तुमने भी प्रत्येक प्लेटफॉर्म आ गए, गूगल में और यूट्यूब में होते हैं तो आप सुनते होंगे, अच्छे डिस्कशन आते हैं वहाँ पर, अच्छी राय आती है, देश हित के अंदर आती है। मैं चाहूँगा ये जो हमारे आरएसएस के बीजेपी लोग हैं इनको भी कम से कम आलोचना तो बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। मैं उनसे अपील करूँगा तुम आलोचना बर्दाश्त करना भी सीखो, ठीक है, एनडी गवर्नमेंट नेताओं को भी, आरएसएस को, बीजेपी को। आलोचना आभूषण है लोकतंत्र का, आलोचना नहीं होगी तो फीडबैक कैसे मिलेगा? सर आप खत्म कर दो, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष का होगा फिर? ये मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है। तो मेरा मानना यह है कि ये आलोचना को इनको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए और आलोचना को सुनने का मादा होना चाहिए। तो मैं इनसे अपील करूँगा तुम मादा पैदा करो आपके अंदर देश हित, अगर आप वास्तव देश हित की बात करते हो तो आपको चाहिए कि आप जितने प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं, आर्टिकल आते हैं आलोचना वाले भी, उनको पढ़ना शुरू कर दे। वो उसमें अगर उन्हें ईमानदारी से वो छात्र देश का भला हो तो थोड़ा बहुत उनको लगेगा भाई वास्तव में ये पक्ष ये भी है। करो अपनी मर्जी के करो, फैसला आपको करना बाद में भी, पर कम से कम उस पक्ष को सुनो तो सही। अभी उससे सुनना पसंद नहीं करते हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है। अगर मैं खाली एक पक्ष सुनता रहूँगा तो मुझे क्या मालूम पड़ा दूसरा पक्ष क्या है। इतने मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ, मेरी आलोचना भी करते हैं, मेरी सरकार की करते हैं तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। इसलिए हो सकते हुए आलोचना दम हो, तथ्य हो, मैं सुधार करूँगा उसके अंदर, मेरे को क्या बात का अहम घमंड है, सुधार करूँगा। भला किसका होगा? पब्लिक का होगा। और जो हमारा एम है, हम पब्लिक ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी के रूप में हम काम करना चाहते हैं। पर ट्रस्टी अगर हैं तो आप उसी ढंग बिहेव करो फिर। सर राजस्थान का फॉर्मूला तैयार हो गया है, सर राजस्थान का फॉर्मूला तैयार हो गया है, आप दिल्ली जा रहे हैं, कर्मचारियों की बड़ी संख्या में कमी है सर, सरकार आम जन को आधार देने के लिए कैंप पे कैंप लगा रही है सर, सरकारी विभागों में कर्मचारियों की बड़ी संख्या में कमी है सर। राजस्थान आम जन को लाभ, बहुत रोजगार देखे राहुल गांधी के मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीब के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को लेकर हमारा बजट पेश हुआ है, महंगाई के लिए रात लग रहे हैं शिविर, बेरोजगारी के लिए हम 3 लाख से अधिक नौकरी दे रहे हैं, काम चल रहा है, आज नौकरी दे दी है, आज नौकरी चल रही है, काम चल रहा है, 1.5 लाख की नौकरी लग चुकी है, 1.5 लाख का इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, सब काम हो रहा है। और नॉन वायलेंस के लिए विभाग बनाया हुआ हमारा, कई विभाग है क्या, तो तमाम काम राजस्थान सरकार कर रही है, उसकी आज सब लोग तारीफ हो रही है। सर आप दिल्ली जा रहे हैं, सर आप दिल्ली जा रहे हैं, राजस्थान का फॉर्मूला तैयार हो गया क्या? नमस्कार नमस्कार। राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है पूरे देश में चर्चा हो रही है, मोदी के राज में तो अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करते हुए, प्रेस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जिस तरीके से सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार और बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उनका ये कहना है कि आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं लेकिन उन्हें खुद सुनने की भी जो है वादा यहाँ पर रखनी चाहिए। आलोचना जो है वो एक तरीके से लोकतंत्र में गहना माना जाता है तो आलोचना भी सुनने की आदत होनी चाहिए। तो ऐसे में केंद्र सरकार पर निशाना साधते मुख्यमंत्री ने चला। बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।